mere bati anga fasta na baba mere bati ko kaisa ningle baba mere bati ko kaisa ningle baba शौहर ने किया बीवी का कत्ल, ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं? लड़की के घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं, आइए देखते हैं इसकी तफसीलात। आपकी बच्ची का नाम क्या था? मेरा नाम मालन बेगम, सतवार वाली हूँ मैं। मेरी बच्ची कुछ ले मावड़ी को दिए थे, उसका नाम सबा बेगम है। सबा बेगम है, 6 साल से भी टाचर था साहब उनका, 6 साल से भी टाचर था उनको। कभी आए खुद मेरे पास शिकायत करते थे, पैसे लो बोल के पैसे दे डाली मैं, 2 लाख दी, 2 लाख दी, उसके बाद 40,000 दी, उसके बाद 20,000 रुपये दी मैं साहब। 6 साल बच्चा 5 महीने का था, कोई चौरस्ते पे जा रहे तो गाड़ी स्पीड लिख जा रहे बोल के बोले, स्पीड में हल्लू चलाओ बोलते, मैं ऐसे चला तू बोलते, मेरी बच्ची उतर गई मारी मते, वहाँ से टाचर चालू हुआ साहब। पैसे लाओ बोलते थे हमेशा, अल्लाह जी अल्लाह अल्लाह, मेरे साथ ऐसा कहीं हुआ, कल छोटी मोटी लड़ाई में मेरी बच्ची को ख़त्म कर डाले सो मिल के डा, अल्लाह जी साहब। मेरी बच्ची को टाचर बहुत था। मेरा नाम मालन है, मेरी बच्ची का नाम सबा बेगम है। चिल्ला हादिसा हुआ, मेरे दामाद का नाम रियाजुद्दीन था, मोहम्मद रियाज था, उनके 2 बच्चे हैं सबा बेगम के, उनके साथ ऐसा हादिसा हुआ और किसी के साथ नहीं होना। मेरी बच्ची के साथ ऐसा हादिसा हुआ और किसी की बच्ची के साथ हादिसा नहीं होना, इंसाफ होना। उनको 2 बच्चे हैं, 5 साल के एक है, 2.5 साल के एक है, 6 साल हो रहा साहब, 7वां साल स्टार्ट है उनको। आपका गाँव का नाम? मेरा नाम सतवार है, गाँव का नाम सतवार। उनके गाँव का नाम? चिले मामड़ी है। उनके शोहर का नाम रिया। मम्मा हाथ लेके मारे। कौन मारे? मम्मा। मम्मा को कौन मारे? अब्बो। कैसा मारे? हाथ लेके। आप कहाँ पर थे? हमें खरगोश है। जॉब लगाया। मेरी बहन का शौहर, मेरा बहू नहीं, मेरी बहन को कत्ल कर दिया, मार दिए मेरी बहन को, सब मिलके जुल्म करते थे। 6 साल हुआ मेरी बहन की शादी होके, 6 साल से टाचर हर बात पे बात करते थे, हर जमाने पहले से पैसे मांगते थे मेरे, पैसे ले ले के आओ बोल के, पैसे ले ले के आओ बोल के पूछते थे हर टाइम, हर चीज़ से मदद करें हम उनको। लेकिन हमारी बहन की जान ले लिए सब मिलके। ननन बहुत टाचर देती थी, कहते हर वक्त अगर घर को आती थी, जब एक बात बोल के जाती थी, कहते हर टाइम उन्हों सास उनकी ससुरा सब मिलके मेरी बहन का ख़त्म कर दिया, मेरी बहन को, मेरी बहन की जान ले ली है। हमको गवर्नमेंट से यही है, पुलिस से यही है अपील है कि हमको इंसाफ होना है। और मैं बड़ा भाई हूँ भाई का, बहन का, मेरे बड़ा भाई हूँ मैं। मेरी बहन को इंसाफ होना, हमको इंसाफ होना, अगर ये इंसाफ नहीं हुआ तो हम कुछ भी कर सकते, हमारे को पता नहीं है। मेरी बहन को इंसाफ होना, मेरी बहन का इंतकाल हो गया अभी। हम कभी कभी फ़ोनों में देखते थे, शहर से न्यूज़ आते थे, आज हमारे घर में हो गया ये हादसा, हमारे दिल पे क्या गुजर रही है हमारे को ही मालूम है, हमारे साथ हुआ है, किसी के घर में किसी के साथ ऐसा नहीं होना हादसा, ये हमारे साथ हुआ, हमारे दिल को पूछो हमको मालूम है। मेरे को यही एक गुजारिश है कि हमारे को इंसाफ मिलना है, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, उम्र कैद की सज़ा भी कम है उसके लिए, उससे भी अगर कोई बड़ी सज़ा है तो उसको दे सकते वो। मेरे को ये ऐसा हादसा गुजरने के पास मेरे घर में, हैदराबाद से न्यूज़ रिपोर्टर्स आए मेरे घर को, उनको भी तकलीफ़ हो गई होगी उतनी दूर से आके हमारी तफसील सुन के शेयर करने के लिए। आपका नाम? शेख अहमद भाई का मैं शुक्र गुज़ार हूँ, आप उतनी दूर से मेरे गाँव को आए, सतवार को, मंडल जहीराबाद है मेरा, ज़िले संगारेड्डी है, उतनी दूर से आके हमारी मदद करने के लिए आए। अल्लाह उनकी मदद को कबूल करें दो, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ दें दो बस।